तो अपने स्वीट और प्यारे बच्चों के लिए एक बार फिर से हम आ गए हैं। हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों का टॉपिक पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। तो ढेर सारी बातें हैं, एक अकेले लेक्चर में पूरी नहीं हो पाएंगी, तो दो पार्ट्स में बातें करेंगे। पार्ट वन आज के क्लास में और थोड़ी बातें जो रह जाएंगी वो अगले क्लास में। कुल मिलाकर के हम लोग पीरियाडिक टेबल और पीरियाडिक प्रॉपर्टीज जो चैप्टर जिस पर हमारा डिस्कशन चल रहा है, ये चौथा लेक्चर है। शुरू के तीन लेक्चर्स में हम लोगों ने पीरियाडिक टेबल के स्ट्रक्चर पर बातें की थी। आज के लेक्चर में पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। तो सभी लोग पेन और कॉपीज अपने अपने ओपन कर लो, टॉपिक का नाम दे दो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, और हमें चार पीरियाडिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करना है। साथ ही साथ तुम भी लिखते रहो। पहला प्रॉपर्टी होगा हमारा एटॉमिक रेडियस, या फिर तुम एटॉमिक साइज भी कह सकते हो। एक तुम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसको हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कह देते हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस, लिखते रहना तुम भी साथ साथ ना, जो जो जरूरी है बोल दे रहे उनको लिखते रहना। बाकी नॉर्मल डिस्कशन हर चीज बिल्कुल छाप लेने की भी जरूरत नहीं होती है। सो अपने दिमाग और अपनी आंखें दोनों ही खुले रखो, हाथों को थोड़ा एक्टिव बनाओ। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे हम, तीसरी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर इसके बदले में एक और टर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तीसरी प्रॉपर्टी हुई। और चौथी प्रॉपर्टी जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रो निगेटिविटी। तो इन चार चीजों के ऊपर हम लोगों को इस क्लास में और इसके आने वाले अगले क्लास में, दो क्लासेस में, इन चार टॉपिक्स पर, इन चार पॉइंट्स पर हम लोगों का सारा डिस्कशन चलता रहेगा। तो आज के क्लास में कुछ बातें चलेंगी, कुछ बची हुई बातें जो है अगले क्लास में, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर, तुम भी बोर होने लगते हो। सो ओके, वन बाय वन आते हैं। पहला एटॉमिक रेडियस। या फिर एटॉमिक साइज भी कह सकते हो। तो जो एटम्स होते हैं वो बॉल की तरह होते हैं, जैसे क्रिकेट खेलने वाला बॉल तुम ले लो या फुटबॉल ले लो। एटम्स को हम लोग उस तरह से मानते हैं कि एटम जो है वो बॉल की तरह होता है। तो अगर हमारे पास कोई एक बॉल हो तो उसका रेडियस कैसे तुम खोजते हो? सेंटर से लेकर के पेरिफेरी तक का जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को तुम कहते हो रेडियस। तो डेफिनेटली एटम के केस में भी रेडियस तो वही होगा कि इसके सेंटर से लेकर के पेरिफेरी तक का जो डिस्टेंस नाप लोगे वही तुम बोलोगे एटम का रेडियस है। तो रेडियस हम जो जानते हैं वही रेडियस यहां पर भी है, सो बॉल वगैरह का रेडियस ना होकर के एटम का रेडियस। लेकिन मुश्किल यह है कि एटम जो है इतना छोटा होता है कि पर्सनली एक अकेले एटम को तुम पकड़ करके उसका रेडियस नाप लो बहुत मुश्किल है। बॉल तो काफी बड़ा होता है, हम बॉल को पकड़ करके हम यहां से यहां तक की दूरी को पूरा नाप सकते हैं कि इस एंड से इस एंड तक की जो दूरी है वो क्या है, फिर उसको आधा आधा दो पार्ट में डिवाइड करके रेडियस का पता लगा सकते हैं। बट एटम इतना छोटा है कि हम एक अकेले एटम को पकड़ करके सीधे सीधे उसका रेडियस नाप ले, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो तरीका है, जो साइंस है, उसमें क्या है, यदि दो एटम्स पास पास हैं, जैसे एक एटम और दूसरा एटम, दो एटम्स पास पास है, जितने पास हो सकते हैं उतने पास है, मान लो सॉलिड स्टेट में, हम चीजों को ठंडा करके चले जाए, जैसे पानी होता है बहुत गर्म कर दोगे तो भाप में बदल जाता है, थोड़ा कम टेम्परेचर पर रहेगा तो लिक्विड स्टेट में रहता है, और भी ठंडा कर दोगे फ्रिज में डाल दो तो बर्फ सॉलिड स्टेट आ जाता है।
तो इसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको अल्टीमेटली ठंडा कर करके फ्रीज करके सॉलिड स्टेट लाया जा सकता है। तो सॉलिड स्टेट में एटम्स क्या है, इस तरह से चिपके हुए रहेंगे, एक एटम है फिर दूसरा एटम है फिर इसी के बगल में जो है तीसरा एटम है फिर उसी में चौथा एटम है फिर उसी में पांचवा एटम है फिर छठवां एटम है, तो ढेर सारे एटम्स इस तरह से एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है जिसे हम नाम देते हैं एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, ये टेक्निक क्या करता है कि दो एटम्स के बीच की दूरी, इसके न्यूक्लियस से लेकर के इसके न्यूक्लियस तक के बीच की जो ये दूरी है, इस दूरी को नाप सकता है। हम एक अकेले एटम को पकड़ करके उसका रेडियस नहीं नाप सकते, लेकिन दो एटम्स के बीच की दूरी नाप सकते हैं। तो अगर हम ये दूरी नाप लें और नापने के बाद इस दूरी का आधा कर दें तो हमें रेडियस मिल जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की जो दूरी है, एक इसका रेडियस और एक इसका रेडियस, दोनों का रेडियस मिला करके ये दूरी तैयार होता है। तो हम इस दूरी को नाप करके आधा कर लें तो हमें रेडियस का आइडिया हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग एटम्स का रेडियस नापते हैं। हम लोग सॉलिड स्टेट में एलिमेंट को ले लेंगे, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करेंगे और उसकी मदद से दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी निकाल लेते हैं और दूरी का आधा करके हम लोग रेडियस का पता लगा लेते हैं। अब यहां पर दो तरह के केसेस हो सकते हैं। एक केस कि दो नॉन बॉन्डेड एटम्स, दो एटम्स आपस में नॉन बॉन्डेड हो सकते हैं, या फिर एक केस ऐसा हो सकता है कि दो बॉन्डेड एटम्स, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इनका जो डीप कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा तुम लोग अभी नहीं समझते होगे, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग आएंगे, अगला ही चैप्टर है इसके बाद, तो वहां पर फिर ये सब बातें कहने सुनने के लिए रह जाएंगी, तुम अच्छे से समझ जाओगे, लेकिन थोड़ी सी बात तो हम कर ही सकते हैं। तो जिन एलिमेंट्स के अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, पिछले लेक्चर्स में भी हमने बात करी थी कि जिनके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी से रिएक्शन नहीं करते। जैसे नियॉन को देखोगे तो नियॉन के अंतिम में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो नियॉन का अगर एक एटम और नियॉन का दूसरा एटम पास में आते हैं तो दोनों में कोई रिएक्शन नहीं होना, ये अपना अपने में मस्त है, वो अपना अपने में मस्त है, दोनों खुश है, हाँ दोनों पास में बैठ के थोड़ी बहुत गप सप कर सकते हैं, लेकिन इसको उससे कुछ नहीं चाहिए और इसको इससे कुछ नहीं चाहिए, बातचीत हो जाएगा तो वो अपने घर चला जाएगा, ये अपने घर चला जाएगा, बात खत्म। लेकिन अगर यही हम लोग क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-8-7, अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 मतलब ऑक्टेट कहते हैं, और जिसका 8 इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम में वो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करता, अकेला आइटम अपने आप में मस्त है, वो अपने आप में मस्त है, दोनों को एक दूसरे से बहुत कोई मतलब नहीं, आएंगे बातचीत करेंगे फिर चले जाएंगे। क्लोरीन में क्या है, एक क्लोरीन एटम को देखें तो अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 8 हो जाएगा, तो इसको कुछ रिएक्शन वगैरह करना पड़ेगा। तो दो क्लोरीन एटम्स आपस में मिल जाते हैं, ठीक, इसको हम ऐसे समझें कि एक क्लोरीन एटम ये रहा और ये दूसरा क्लोरीन एटम, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा, तो बीच में ये दो इलेक्ट्रॉनों का एक शेयरिंग हो गया। तो इसके बाहर वाले सेल में देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, 7 इलेक्ट्रॉनों में से 7 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया तो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे रहेंगे, तो मैं इसे बना दो। इसके साथ भी यही केस है, एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया तो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, डेफिनेटली डॉट मतलब इसका इलेक्ट्रॉन और क्रॉस मतलब इसका इलेक्ट्रॉन, तो 7 में से एक इलेक्ट्रॉन इसने बीच में रखा, एक इलेक्ट्रॉन इसने बीच में रखा, और ये साझेदारी हो गई, ये बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो इसका इस्तेमाल ये भी करेगा ये भी करेगा, इसको तुम ऐसे समझा सकते हो। तो अब अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल ये कर रहा है तो 6 इधर और 2 ये मिलाकर 8 हो जाएगा, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल ये भी कर रहा है तो 6 इधर 2 इधर मिलाकर के 8 हो जाएगा, तो दोनों के बीच में साझेदारी हो गई, जिसे हम दिखाते हैं कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो जब इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो होता क्या है, एक एटम का कुछ हिस्सा दूसरे एटम के कुछ हिस्से से मर्ज हो जाता है, दोनों का जैसे हम बस दोनों हाथों को ऐसे चिपका दे तो फिर दोनों को बिल्कुल इस तरह से जोर से पकड़ दे, तो साझेदारी होती है, तो एक एटम का कुछ हिस्सा दूसरे एटम के कुछ हिस्से के साथ ओवरलैप कर जाता है, मर्ज हो जाता है। तो एक सिचुएशन ऐसा है कि अगर दो एटम्स आपस में, जैसे यहां पर अगर क्लोरीन और क्लोरीन ने बॉन्ड बना रखा है तो उसका सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, और यही अगर हमारा नियॉन और नियॉन है,
तो उन्होंने कोई बॉन्ड वगैरह नहीं बनाया, बस दोनों ऐसे ही पास पास बैठे हैं। तो यहाँ पर दोनों ने बॉन्ड बना लिया है, अब जहां जहां ये जाएगा वहां वहां ये जाएगा, जहां जहां ये जाएगा वहां वहां ये जाएगा, दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा। यहाँ दोनों इंडिपेंडेंट है, इसको इससे कोई मतलब नहीं, उसको उससे कोई मतलब नहीं, बस ऐसे यारी दोस्ती में बगल बगल बैठ गए तो बैठ गए, इसको इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या है, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी थोड़ी ज्यादा होगी, जबकि यहाँ पर इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी थोड़ी कम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का कुछ हिस्सा जो है मर्ज हो गया है। ठीक, तो अगर हम इस तरह के सिचुएशन में न्यूक्लियस के बीच की दूरी नापते हैं और उसका आधा कर देते हैं, तो हमको यहां से जो रेडियस मिलता है इसे कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड हम लोगों ने नीचे देखा, इसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, बस ऐसे ही एकदम कैजुअली, बहुत परेशान नहीं होना, देखते रहो। ठीक, थोड़ी थोड़ी बातें तुम्हें समझ में आएंगी, थोड़ी थोड़ी बातें हो सकता है ऊपर से चली जाए, डोंट वरी, जस्ट कीप वॉचिंग, समय को बीतने दो, जो थोड़ा थोड़ा समझाया उसे समझते रहो। केमिकल बॉन्डिंग जैसे पढ़ोगे ऐसा फिर बच्चों का खेल लगने लगेगा। तो यहां पर हमने क्या कहा, नियॉन ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दो एटम्स, इसको बना भी लेना, नियॉन ऑक्टेट कंप्लीट है, एक एटम ये है दूसरा एटम ये है, दोनों आपस में कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ये क्लोरीन इधर बना रखा है, इधर से हटाते हैं, ये क्लोरीन, क्लोरीन के अंतिम में सात इलेक्ट्रॉन है, सात इलेक्ट्रॉन है तो आठ पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसने बीच में रखा, एक इलेक्ट्रॉन इसने बीच में रखा, इसको भी बना लेना। और दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई, साझेदारी का दोनों इलेक्ट्रॉन ये भी इस्तेमाल करेगा वो भी इस्तेमाल करेगा, इससे इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो जब ये एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो बीच में ऐसे सिंगल बॉन्ड बना देते हैं, कहते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई, और ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, ये इसको छोड़कर नहीं जा सकता, वो इसको छोड़कर नहीं जा सकता। और हमने कहा कि ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, एक एटम का कुछ हिस्सा दूसरे एटम के कुछ हिस्से के साथ ऐसे मिक्स हो जाएगा बीच में, और जबकि साझेदारी नहीं हो रही है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बस दोनों एटम्स ऐसे आपस में चिपके हुए हैं। तो यहां पर अगर इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी निकाली, तो इस दूरी को मतलब इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी निकाली, निकाल करके आधा कर लिया, कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे इसे, सिंगल बॉन्ड, हमेशा सिंगल बॉन्ड पर ही स्टडी करते हैं, कोवेलेंट रेडियस। और यहां जहां की साझेदारी नहीं है, दोनों के बीच के, दोनों के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की दूरी निकाली और दूरी का आधा कर लिया, तो इसे कहते हैं वान डर वाल्स रेडियस। ठीक, क्यों वान डर वाल्स रेडियस कहते हैं, हम इसके पीछे नहीं जाते हैं, समय आने पर तुम समझोगे, कुछ चीजों को थोड़ा समय के लिए छोड़ा जाए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम सब सिखाते रहते हैं इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, उस समय तो बहुत नहीं समझ पाते हैं, बाद में जब बड़े होते हैं तो समझते हैं कि हाँ इसका मतलब ये है। तो डोंट वरी, वान डर वाल्स रेडियस क्यों कहते हैं, समय पर छोड़ते हैं। तो अगर एटम्स ने आपस में बॉन्ड बना रखा है और न्यूक्लियस की दूरी के बीच का आधा कर दें तो कोवेलेंट रेडियस, और बॉन्ड नहीं बना रखा है और न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा कर दें तो वान डर वाल्स रेडियस। तो अब जैसे हम लोग मान लो हम सॉलिड स्टेट में Cl2 मतलब क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन इसकी बात करें, तो एक एटम और दूसरा एटम ये दोनों इस तरह से ओवरलैप करके Cl2 बना लेंगे, एक क्लोरीन एटम दूसरा क्लोरीन एटम। फिर ऐसा ही एक और सिस्टम इसके बगल में चिपका दो, इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं सो दैट समझने में कोई परेशानी ना हो। ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया, अकेले रहता तो एटम, दोनों मिलकर के साथ में मॉलिक्यूल कहे जाते हैं, तो ये क्लोरीन और क्लोरीन मिलकर के क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं, राइट, Cl2 मॉलिक्यूल कहोगे तुम इसे। तो एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल दोनों पास पास में, तो जब तुम एक्सरे से दूरी नापोगे तो देखो, तो एक तो तुम ये वाली दूरी नाप सकते हो, ये दूरी तुम नाप लो यहां से लेकर यहां तक, और फिर इसका आधा कर लो, क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस। इसी तरह से ये दूरी नाप लो, ये भी वही है, आधा कर लो, कोवेलेंट रेडियस। लेकिन अगर तुमने ये वाली दूरी नाप ली, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी नापी, तो ध्यान देना इस एटम और इस एटम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है, तो यहां से जब इसको आधा करके रेडियस निकालोगे तो ये वान डर वाल्स रेडियस होगा। तो यहां से
वान डर वाल्स रेडियस, जबकि यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, कोवेलेंट रेडियस। तो एटम का रेडियस क्या होता है वो समझना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन हाँ रेडियस को नापते कैसे हैं ये थोड़ा सा समझना टेढ़ा काम था, बट आई ट्राइड टू सिंप्लीफाई, जितना सिंपल तरीके से समझाया जा सकता था हमने कोशिश किया कि एटम का रेडियस मेनली दो तरह से नापते हैं, कोवेलेंट एंड वान डर वाल्स। अगर एक ही एलिमेंट के लिए हम दोनों तरह का रेडियस नापे तो हम देखेंगे वान डर वाल्स रेडियस ज्यादा आएगा, कोवेलेंट रेडियस कम आएगा। क्यों कम आएगा भाई, क्योंकि जब इसका कुछ हिस्सा इसके साथ मिक्स हो जाएगा तो बीच में जो दूरी है वो कम हो जाएगी। ये यहां पर समझ सकते हैं हम लोग कि इनका कुछ हिस्सा आपस में मिक्स हो जाएगा तो यहां से यहां तक की दूरी कम हो जाएगी, जब ये आपस में मिक्स नहीं होंगे तो दूरी जो है ज्यादा रहेगी। तो अगर किसी एक ही एलिमेंट के लिए दोनों तरह का रेडियस नापा जा सकता है और अगर हम नापे तो हम देखेंगे कि कोवेलेंट रेडियस छोटा रहेगा और वान डर वाल्स रेडियस कम होगा। इस पॉइंट को अपने नोटबुक में तो नोट कर सकते हो कि जो वान डर वाल्स रेडियस है वो थोड़ा बड़ा रहेगा और जो कोवेलेंट रेडियस है वो थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक, तो ये दो तरह से हम लोग रेडियस को नाप सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया एटॉमिक रेडियस की बात। फिर दूसरी प्रॉपर्टी, उसका भी थोड़ा डिस्कशन करें। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई एटम ले लो, जैसे से हमने सोडियम एटम ले लिया, वो भी गैस फेज में, जी मतलब गैस फेज में, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सोडियम आयन बनेगा और इसमें कुछ एनर्जी जो है कंज्यूम होगी। समझ रहे हो ना, जैसे तुम्हारा कोई आए, जैसे एक दांत तुम्हारा हम तोड़ करके ले जाना चाहते हैं तो तुम इतनी आसानी से तो तोड़ने दो या नहीं, मारपीट होगी, तोड़ पाया तो तोड़ पाया, नहीं तो हो सकता उसी का दांत में तुम तोड़ डालो, कुछ भी हो सकता है। तो सोडियम का एक दांत तोड़ना है मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसमें एनर्जी कंज्यूम होगी और इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम प्रॉपर वे में डिफिनेशन लिखते तो हम कहेंगे एनर्जी needed to remove, तुम भी लिखते चलना साथ साथ, energy needed to remove one electron, energy needed to remove one electron मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च होगी। कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, कोई एटम होगा, from an isolated, आइसोलेटेड क्या होता है, बिल्कुल दूर दूर, जैसे तुम लोग एग्जाम देने जाते हो तो एक तो सबको पास पास बैठा दिया जाए, तुम लोग बड़ा जल्दी पेपर करके निकल जाते हो, लेकिन सबको थोड़ा दूर दूर बैठा दिया जाए तब पेपर करने में तुम्हें लगता है कि आज मेहनत ज्यादा लग रहा है। तो खूब दूर दूर बैठा दे, न तुम इधर देख पाओ न उधर देख पाओ, न किसी की मदद ले पाओ, न किसी को परेशान कर सको, न किसी से अपना काम बना सको, न कोई आसानी न कोई परेशानी, बस तुम ही तुम जो करोगे अकेले करोगे, तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड होना, बिल्कुल अकेले। तो हम लोग क्या करते हैं, एटम्स को बिल्कुल दूर दूर कर देते हैं, एक एटम का जब इलेक्ट्रॉन निकाले तो दूसरा एटम बगल में कुछ कर ना पाए, एटम्स एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, उसी को बोलते हैं आइसोलेटेड। तो एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है उसका एटम है आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में है और उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है और एनर्जी खर्च होगी, और जो एनर्जी खर्च होगी इज रेफर्ड टू एज आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर इसी को तुम आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कह सकते हो।
तो ये रहा अपना डिफिनेशन, एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट रेफर्ड टू एज आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से बुला सकते हैं। तो एनर्जी खर्च क्यों हो रही है, तो इसके लिए भी y एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड, एनर्जी खर्च क्यों हो रही है ये भी समझना जरूरी है। तो देखो जो एटम होता है, एटम में एक तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके चारों तरफ निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन वो घूमता रहता है। ठीक, तो ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस पर चार्ज आएगा। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, तो प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन है और इसके चारों तरफ घूमता रहेगा। ठीक, अट्रैक्शन की वजह से दूर नहीं भाग पाएगा। अब तुम आए, और तुम जो है इलेक्ट्रॉन को खींच करके बाहर निकालना चाहते हो, तो तुमको एनर्जी लगानी ही पड़ेगी। जैसे दो मैग्नेट्स आपस में चिपके हो, तुम उनको खींचकर अलग करना चाहते हो, तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ती है। वैसे ही ये दोनों आपस में एक तरह से चिपके हुए हैं, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है और तुम दोनों को अलग करना चाहते हो, तो तुम्हें एनर्जी क्या करना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। और इसीलिए किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी जो है वो खर्च होगी, राइट। और ध्यान देना, अगर अच्छा चलो इसकी बात बाद में करते हैं, फिलहाल जो लेट अस गो सिंपल। क्यों एनर्जी खर्च होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है, और उस अट्रैक्शन को पार करने के लिए, उस अट्रैक्शन को जीतने के लिए, उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, दैट्स ऑल। अगले डिफिनेशन पर, अगले पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, ये तो इंग्लिश वर्ड है, इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना भी नहीं है। एफिनिटी मतलब प्रेम, लव, अफेक्शन, तुम्हें किसी चीज से कितना प्रेम है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार, इलेक्ट्रॉनों से कितना प्यार है, या फिर इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डिफाइन कैसे करेंगे कि अगर हमारे पास कोई एटम है, ठीक, एटम का फिगर बना देते हैं, ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज के साथ चक्कर काट रहा है, और ये आए तुम, ठीक, और फिर से तुमने हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार तुम्हारे हाथ में एक इलेक्ट्रॉन है और तुम इलेक्ट्रॉन लेने नहीं आए बल्कि अपना इलेक्ट्रॉन अंदर रखने आए हो। पिछले बार से ठीक अपोजिट, पिछली बार क्या करने आए थे, तुम इलेक्ट्रॉनों को खींच करके निकालने आए थे, इस बार एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए हो और इलेक्ट्रॉन एटम को देना चाहते हो। तो जब तुम एटम को इलेक्ट्रॉन दोगे तो दो चीजें होंगी, एक तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, ठीक, यहां पर रिपल्सन होगा, ये इसको दूर भगाएगा कि भाग जाओ मत आओ यहां पर, और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, मतलब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन और इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के लिए रिपल्सन कम होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अगर रिपल्सन ज्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन अंदर न जा पाता, लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा। रिपल्सन कम होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ध्यान देना, ज्यादातर एलिमेंट्स के लिए, और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा। अब ये सोचना है कि जब इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो एनर्जी खर्च होगी या मिलेगी, एनर्जी खर्च होगी या मिलेगी। तो अगर कोई काम नहीं हो रहा है, तुम जबरदस्ती उसको साइंस में कर रहे हो, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलना चाहता, तुम जबरदस्ती उसको खींच करके बाहर निकाल रहे हो, एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। या इलेक्ट्रॉन अंदर जा नहीं पा रहा है, तुम उसको जबरदस्ती अंदर धक्का मार करके घुसा देना चाहते हो, एनर्जी खर्च होगी। और कोई चीज अगर अपने से हो जाए, वो अपने आप बाहर चला आ रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगी, अपने आप अंदर चला जा रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। तो कोई चीज अगर अपने से हो रही है
एनर्जी रिलीज होगी। जबरदस्ती करना पड़ रहा है, फोर्सफुल्ली करना पड़ रहा है, तो फोर्स लगाने का मतलब एनर्जी खर्च होगी। तो यहां पर रिपल्सन क्या है, वो मोस्टली स्मॉलर होता है, राइट, छोटा होता है, और अट्रैक्शन जो है वो लार्जर होता है, बड़ा होता है ना। इसको ऐसे ही डायग्राम बना करके लिख लेना कि ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्लस का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस है। अपना फोटो भी बना लेना कि ये तुम आए और इस बार तुम्हारे हाथों में इलेक्ट्रॉन है। ये एरो भी बना देना कि इलेक्ट्रॉन तुम अंदर रखना चाहते हो। फिर ये भी बना लेना कि अब दो चीजें होंगी, रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन। और मोस्टली अट्रैक्शन बड़ा है, रिपल्सन छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, एनर्जी रिलीज होगी। इसी को हम लोग अगर इक्वेशन के थ्रू दिखाए, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन गैस स्टेट में रहेगा, इसको इसमें एड वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्लोरीन पर माइनस का चार्ज आ जाएगा और एनर्जी जो है वो रिलीज्ड होगी। तो ये क्लियर आइडिया होना चाहिए कि एनर्जी कब रिलीज होगी, एनर्जी कब कंज्यूम होगी। तो पिछले प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती खींचकर निकाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन था, नहीं निकल रहा था, हम खींचकर निकाल रहे थे तो एनर्जी खर्च करनी पड़ती थी। इस बार इलेक्ट्रॉन अपने से अंदर जा रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, राइट। और जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। अगर न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा प्यार रहेगा, ज्यादा जोर से अंदर, जल्दी से अंदर खींच लेगा, और जल्दी से अंदर खींचेगा उसके बदले में ढेर सारा पैसा देगा, ढेर सारा एनर्जी देगा, और नहीं खींचना चाहता, नहीं खींच पा रहा है, या बहुत कमजोर तरीके से खींच रहा है, तो ऐसा ही थोड़ा सा चवन्नी अठन्नी पैसा देकर के काम जो है आगे बढ़ा देगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के बदले कितनी एनर्जी मिलेगी डिपेंड करता है कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को कितना प्यार करता है, कितना अट्रैक्शन है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं एनर्जी रिलीज्ड। कभी कभी ऐसा भी होता है रिलीज न होकर के कंज्यूम हो जाता है, जैसे कुछ एटम्स वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता। जैसे अभी ऑक्टेट जिसका कंप्लीट रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पहले से कंप्लीट है, वो क्यों तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकर के क्यों परेशानी मोल ले, पहले से खुश है और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आकर के मारपीट करने लगा, खुशी उसकी जो है खराब हो जाएगी। तो कुछ एलिमेंट्स जो पहले से खुश रहते हैं, मतलब पहले से स्टेबल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते, तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजोगे तो एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो तुम चाहो तो यहां पर हम गैप छोड़ देते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं, और कंज्यूम्ड भी कर सकते हो ना, लेकिन हम कहेंगे इसको हटाओ, लेट अस गो सिंपल, एक डायरेक्शन में बढ़ते हैं, दूसरा बाद में डील कर लिया जाएगा। कि मोस्ट ऑफ द एटम्स एनर्जी रिलीज करते हैं, सो एनर्जी रिलीज्ड ऑन एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं टू एंड टू अ गैसियस आइसोलेटेड एटम इज रेफर्ड टू एज इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। साथ ही साथ तुम भी लिख डालना एनर्जी रिलीज हुई ऑन एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया टू अ गैसियस आइसोलेटेड एटम, किसमें ऐड किया, गैसियस आइसोलेटेड एटम। क्या होता है, इसकी बात हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले की थी, गैसियस आइसोलेटेड एटम में ऐड किया, और उसी एनर्जी को हम रेफर करते हैं, उसी एनर्जी को हम कहते हैं कि वो जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं। और इस चीज को माइंड में अगर रख सको तो बहुत अच्छी बात है कि कहीं कहीं एनर्जी रिलीज न होकर के कंज्यूम होती है। कुछ एटम्स होते हैं स्टेबल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते हैं, और जबरदस्ती उसमें जब तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो ले नहीं रहा, जबरदस्ती तुम उसको दे रहे हो तो तुम्हें बदले में कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हारी एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो उसकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल ये दूसरा एक डिफिनेशन हमने और लिख डाला, इसके पहले आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एन्थैल्पी, और अब
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जिसको जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन से प्यार रहेगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, जितना कम प्यार रहेगा उतना कम एनर्जी रिलीज करेगा। एंड डिफिनेशन नंबर 4, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये क्या होता है, जैसे एक एटम ए है दूसरा एटम बी है, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करा दे, दो दो इलेक्ट्रॉन की भी साझेदारी हो सकती है, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। और साझेदारी का मतलब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, जैसे तुम हो, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे पास बैट उसके पास बॉल, दोनों मिलाकर के चले गए खेलने, तो साझेदारी हो रही है, तो साझेदारी का मतलब जितना मौका तुम्हें मिलेगा खेलने का उतना ही मौका उसे भी मिलना चाहिए खेलने का। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी तुम्हें ज्यादा अच्छा खेलने आता है, उसे कम अच्छा खेलने आता है, तो तुम खूब बैटिंग पर बैटिंग किए जाते हो, वो बेचारे की बैटिंग जैसे आती है तुम उसे हर बार जल्दी से आउट करके अपने ज्यादा खेल लेते हो। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर भी, साझेदारी तो हो ही है, बराबर बराबर होनी चाहिए, लेकिन कुछ एलिमेंट्स, कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचते हैं और कुछ कम खींच पाते हैं, तो जो ज्यादा खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन थोड़ा उसकी तरफ खिसक जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच सकता है कहते हैं ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। ठीक, जो ज्यादा खींच पाएगा कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। डिफाइन कैसे करते हैं, पावर और टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक, लिख लेना, पावर और टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बाय एन एटम इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रो निगेटिविटी। पावर और टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर है या जो टेंडेंसी है, पावर और टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर स्पेशली, उसको खींचने की जो टेंडेंसी है, जो पावर है, उसी को हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के नाम से जानते हैं। तो चार डिफिनेशन, चार चीजें हमने सीखी, साइज या रेडियस, मतलब जो रेडियस है वही साइज है, जितना बड़ा बॉल लोगे उसका रेडियस बड़ा होगा, छोटा बॉल लोगे रेडियस छोटा होगा, तो साइज के हिसाब से रेडियस है, रेडियस के हिसाब से साइज कंट्रोल होता है। तो पहला चीज हमने सीखा कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कैसे नापते हैं, दो तरीका, कोवेलेंट एंड वैन डर वाल्स। फिर दूसरा हमने सीखा कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च होगी आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फिर तीसरा हमने सीखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जितना ज्यादा एनर्जी या जितना एनर्जी रिलीज होगा उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमने सीखा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इस साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को जो जितना जोर से अपनी तरफ खींचेगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कहा जाएगा। तो ये चार पीरियडिक प्रॉपर्टीज है। ठीक, अब थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे पीरियडिसिटी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। पीरियडिसिटी, पीरियडिसिटी क्या होता है, जैसे पीरियडिक टेबल हम लोग पिछले दो तीन क्लासेज में हमने पीरियडिक टेबल के बारे में पढ़ा है, तो ये हुआ अपना डी ब्लॉक, इधर एस ब्लॉक रहेगा और इधर जाओगे तो पी ब्लॉक मिलेगा तुम्हें। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं, हम नीचे, हम ऐसे नीचे की तरफ चेक करते चले जाए, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, फिर उसके नीचे लिथियम है, फिर इसके नीचे सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम है, फिर फ्रांसियम है, हम नीचे चलते चले जाए और चेक करें कि साइज बढ़ रहा है कि घट रहा है, या फिर इधर चले जाए लिथियम है, लिथियम के आगे बेरिलियम है, फिर यहाँ पर बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है, हम इधर चलते चलते चले जाए और चेक करें कि साइज घट रहा है कि बढ़ रहा है, किसी भी प्रॉपर्टी, किसी एक प्रॉपर्टी को पकड़ ले और एक इधर चेक करें घट रहा है कि बढ़ रहा है, एक इधर चेक करें घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो हम देखेंगे या तो धीरे धीरे घट रहा है या तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी, धीरे धीरे घटना या धीरे धीरे बढ़ना, कुछ चीजें धीरे धीरे घटेंगी, कुछ चीजें धीरे धीरे बढ़ेंगी, वही हमको समझना है कि कौन घटेगा कौन बढ़ेगा और क्यों। तो हम लोग दो तरह से चेक करते हैं, जब हम ऐसे चेक करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम ग्रुप में चेक कर रहे हैं, और मोस्टली हम टॉप टू बॉटम, ऊपर से
नीचे की तरफ चेक करते हैं। जब हम ऐसे चेक करते हैं तो हम कहते हैं पीरियड्स में चेक कर रहे हैं, ठीक, पीरियड में। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक, इधर लेफ्ट से लेके इधर राइट तक चेक करते हैं। तो दो डायरेक्शंस में चेक करते हैं कि जो हम चारों प्रॉपर्टीज है, किसी भी प्रॉपर्टी को पकड़ लेते हैं, देखते हैं इसका वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो इसी चीज को हमें समझना है। तो सबसे पहले हम एटॉमिक साइज की बात कर लें। एटॉमिक साइज कह सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज पहले समझ लें। तो दो फैक्टर्स है, पहला है नंबर ऑफ सेल्स, तो इसको लिख लेना अपनी कॉपी में, नंबर ऑफ सेल्स। दो चीजों से एटम का साइज जो है प्रभावित होता है, नंबर ऑफ सेल्स और दूसरा जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ सेल्स क्या है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेकर के समझे इसका मतलब क्या है। जैसे तुम सोडियम ले लो और लिथियम ले लो, लिथियम में कुल मिलाकर 3 इलेक्ट्रॉन है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ऐसा आएगा 2 और 1, मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 8 और 1। अगर इनका पिक्चर तुम बनाओ, थोड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करो, तो लिथियम में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। ये पहला सेल, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐसे बना देते हैं, हम कलर भी चेंज करते हैं थोड़ा। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस है और ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बना दो ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो ये हो गया लिथियम 2 एंड 1। सोडियम बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये हुआ सोडियम का न्यूक्लियस, पहला सेल, फिर उसके बाहर में दूसरा सेल और उसके बाहर में एक तीसरा सेल होगा। और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1, 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में बना दो, 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में बना दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 1 इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल में, उसको भी इसमें कहीं पर भी बना दो। तो ये सोडियम एटम हो गया। तो तुम देख सकते हो इसमें 2 सेल्स है, इसमें 3 सेल्स है, 3 सेल्स मतलब इलेक्ट्रॉनों का फैलाव दूर तक रहेगा और एटम की साइज बड़ी हो जाएगी। जैसे तुम्हारे आसपास कोई घर है 2 मंजिल का है, तुम्हारा घर 3 मंजिल का है, तो डेफिनेटली 3 मंजिल वाला घर 2 मंजिल वाले से ज्यादा ऊंचा रहेगा। कोई और बगल में घर है वो 4 मंजिल का है, वो और भी ऊंचा होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है वैसे वैसे एटम की साइज बढ़ती है। और जब हम पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रूबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो जस्ट 1, ठीक, इधर लिख देते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा 1, लिथियम का हो जाएगा 2 एंड 1, सोडियम का हो जाएगा 2, 8, 1, पोटेशियम का हो जाएगा 2, 8, 8, 1, रुबिडियम का हो जाएगा 2, 8, 18, 8, 1। तो अंतिम में सब एक जैसे हैं, सबके अंतिम में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये पीरियडिक टेबल की खूबी होती है, हम लोगों ने पढ़ा था लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल के टाइम में, कि एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंतिम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो एक जैसी होती है। तो सबके अंतिम में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सबका एक जैसा प्रॉपर्टी होगा, सब एक साथ रखे हुए हैं। लेकिन फिलहाल एटॉमिक साइज की बात करें तो इसमें 1 सेल है, इसमें क्या है, 2 सेल्स है, इसमें 1, 2, 3 सेल्स है, इसमें 1, 2, 3, 4 सेल्स है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 सेल्स है। तो 5 सेल्स मतलब बड़ी साइज, 4 सेल्स मतलब छोटी साइज, 3 सेल्स और छोटी साइज, 2 सेल्स और छोटी साइज, और सिर्फ 1 सेल है तो साइज और भी छोटी हुई। तो तुम जैसे जैसे नीचे जाते हो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाते हो, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जो साइज है या रेडियस है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स, कि नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे तो एटम की साइज जो है वो बड़ी हो जाएगी।
दूसरा चीज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, राइट। तो साइज जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां अच्छे से लिखा नहीं हमने, फिर से एक बार लिखते हैं, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो साइज कम हो जाएगी। जैसे दो एटम्स हम लोग ले लें, सपोज हम लोग कार्बन ले लें दो और चार, नाइट्रोजन ले लें दो और पांच, ऑक्सीजन ले लें दो और छह, तो इसमें भी दो सेल्स है, ध्यान देना, दो सेल्स, यहां पर भी दो सेल्स, यहां पर भी दो सेल्स, तो सब में सेल्स दो दो है, सेल्स की संख्या स्थिर कर दी। किसी एक चीज को स्थिर कर दोगे तब दूसरा चीज समझ में आएगा, अब दोनों बदल रहे हैं एक साथ तो समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो एक को स्थिर कर दिया, सेल्स की संख्या स्थिर कर दी, सब में दो दो सेल्स है। इसका एटॉमिक नंबर छह, इसका सात, इसका आठ, मतलब छह मतलब इसमें जो है छह इलेक्ट्रॉन छह प्रोटॉन, सात मतलब सात इलेक्ट्रॉन सात प्रोटॉन, आठ मतलब आठ इलेक्ट्रॉन आठ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या इस तरह से चेंज हो रही है। हम स्पेशली प्रोटॉन पर ध्यान देना चाहते हैं, छह प्रोटॉन सात प्रोटॉन आठ प्रोटॉन। तो है क्या, ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और बाहर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। अब यहां अगर प्रोटॉन तुम ज्यादा कर दोगे, ज्यादा प्रोटॉन होने पर क्या होगा, ये इसको ज्यादा जोर से अंदर की तरफ खींचेगा, पास में आ जाएगा, और पास में आ जाएगा तो साइज डेफिनेटली छोटी हो जाएगी। तो इसीलिए अगर सेल्स की संख्या स्थिर कर दो और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ाते चले जाओ तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को अंदर की तरफ खींचते हैं, और प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉनों को अंदर की तरफ खींचते हैं तो उससे क्या होता है, एटम की जो साइज है वो छोटी होती चली जाती है। तो ये दो चीजें हैं, एक तो नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, दूसरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वन बाई में लिखने का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, इसको घटाओगे तो ये बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा प्रोटॉन उतनी छोटी साइज, जितना कम प्रोटॉन उतनी बड़ी साइज, ठीक। तो जैसे हम लोग पीरियाडिक टेबल में किसी पीरियड में आ जाए, जैसे हम लोग फ्रेश पीरियाडिक टेबल एक बना लेते हैं, जैसे ये हो गया अपना इधर कुछ एस ब्लॉक टाइप का, बीच में इधर डी ब्लॉक चलता चलता चला जा रहा है, और इधर अपना पी ब्लॉक बना लेते हैं, और सपोज पी ब्लॉक में हम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन इनको देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, दो और तीन, ठीक, कार्बन में क्या है दो और चार, नाइट्रोजन में क्या है दो और पांच, ऑक्सीजन में क्या है दो और छह, फ्लोरीन में क्या है दो और सात, नियॉन में क्या है दो और आठ। तो नंबर ऑफ सेल्स नहीं चेंज हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हो रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, साइज जो है वो घटता जा रहा है। तो प्रोटॉन्स बढ़ेंगे साइज घटेगा। तो अब हम एक ओवरऑल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसको तुम अपनी कॉपी में जरूर बनाओगे, कि ये रहा अपना पीरियडिक टेबल, ठीक, उसका अपीयरेंस बना ले रहे हैं, पूरा लिखना नहीं है। ये है पीरियडिक टेबल, इसमें हम अगर इधर ट्रेवल करें तो और इधर ट्रेवल करें तो, इसका कलर भी थोड़ा चेंज करते हैं, हम इधर ट्रेवल करें तो इधर जब ग्रुप में, ना ग्रुप में क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है, क्यों इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग। जैसे तुम नीचे आओगे, जैसे जैसे नीचे आते जाओगे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता चला जाएगा, तो ग्रुप्स में एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है नीचे की तरफ, ना हम इस डायरेक्शन में चल रहे उसी डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स वो भी इंक्रीज करता चला जा रहा है इसीलिए। फिर इधर इसको लिख लोगे तुम, जल्दी जल्दी लिख दिए तो थोड़ा टाइम दे देते हैं तुम्हें, तो ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है कम ईयर। पीरियड्स में एटॉमिक साइज डिक्रीजिंग, क्यों डिक्रीजिंग, क्यों डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज
नंबर ऑफ सेल्स आर फिक्स्ड, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ रहे बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग. सेल्स की संख्या स्थिर है, नंबर ऑफ सेल्स आर फिक्स्ड, वो फिक्स है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजिंग, प्रोटॉनों की संख्या जो है वो बढ़ती चली चली जा रही है और इसीलिए साइज जो है वो छोटा होता चला जा रहा है. तो इस चीज को हमको समझना है कि जब इधर जाएंगे तो साइज पर क्या फर्क पड़ेगा, इधर जाएंगे तो साइज पर क्या फर्क पड़ेगा. और हम फाइनली कंक्लूड करके रखेंगे, ये है अपना पीरियडिक टेबल, ठीक, थोड़ा एक्सप्लेनेशन वगैरह सब चीज रहेगा, लेकिन फाइनली एकदम पक्का पक्का कंक्लूड करके रखेंगे, ज्यादा हमें फजीहत नहीं चाहिए. तो जल्दी से बताएंगे कि जब इधर जाओगे साइज डिक्रीज कर रहा है और इधर आओगे तो साइज इंक्रीज कर रहा है, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है तो वो मन के अंदर चलता रहेगा ना. इसके पीछे बस ऐसा रट्टा मार नहीं, बस किसी तरह से याद कर लिया है, मन के अंदर चलते रहना चाहिए कि डिक्रीज कर रहा है तो क्यों डिक्रीज कर रहा है. सेल्स की संख्या स्थिर है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं. इंक्रीज कर रहा है तो क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं. तो ये चीज मेन पॉइंट फटाफट जो तुम्हें लिखने आना चाहिए, मेन पॉइंट जो है फटाफट लिखने आना चाहिए, और इसके पीछे का रीजन जो है वो तुम्हारे माइंड में चलते रहना चाहिए. इसके अलावा जो बाकी के तीन प्रॉपर्टीज थे, क्या क्या था, आयनाइजेशन एनर्जी था और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था. बाकी के तीन प्रॉपर्टीज को एक शॉट में हम लोग गिराते हैं, एक सिंगल शॉट. तो रिमेनिंग थ्री प्रॉपर्टीज ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेना. रिमेनिंग थ्री प्रॉपर्टीज कौन कौन से, तो एक तो अपना था आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और तीसरा था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. ये तीनों प्रॉपर्टीज ठीक आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. बोले तो साइज इधर की तरफ घट रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है भाई, कि अगर दो चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा और एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब साइज अगर इधर घट रहा है तो इन तीनों का वैल्यू इधर की तरफ बढ़ेगा, और साइज इधर बढ़ रहा है तो इन तीनों का वैल्यू इधर की तरफ घटेगा. तो इधर साइज घटता जाएगा, बाकी तीनों का वैल्यू इधर बढ़ता जाएगा. इधर साइज बढ़ता जाएगा तो इन तीनों चीजों का वैल्यू इधर की तरफ घटता चला जाएगा. ठीक, लाइट भी भाग गया, ओके कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए थोड़ा मेहनत किया जा सकता है. अब थोड़ा थोड़ा गर्मी लगना शुरू हो गया है, राइट. तो साइज जो है इधर की तरफ घटेगा तो इन तीनों प्रॉपर्टीज का वैल्यू इधर बढ़ेगा, और साइज इधर बढ़ेगा तो इन तीनों प्रॉपर्टीज का वैल्यू इधर घटेगा. तो इस चीज को अपने माइंड में रखना है, और जब भी जरूरत पड़े अप्लाई करो. जैसे अगर हम पूछ दे कि बताओ यहां पर हम लोग लिख दे ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनको साइज के क्रम में एडजस्ट करो, कहेंगे नीचे की तरफ साइज बढ़ती चली चली जा रही है. कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ, नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रही है. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताओ, नीचे की तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो भी घट रही है. आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ, वो भी नीचे की तरफ घट रही है. तो साइज नीचे की तरफ बढ़ रहा है, बाकी तीनों नीचे की तरफ घट रहे हैं. या फिर हम इधर की तरफ है, इधर जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, साइज इधर की तरफ घटता चला जा रहा है, बाकी तीनों इधर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं. हाँ, बीच बीच में कुछ केसेज होते हैं जो हमारी बात इस ट्रेंड को, इस चीज को नहीं मानते, उनका स्पेशल कहानी होता है कि उनको होना चाहिए कम तो वो थोड़े हो जाएंगे ज्यादा, या होना चाहिए ज्यादा तो हो जाएंगे कहीं कहीं कम. तो आज की क्लास में बिल्कुल जनरल, ठीक,
स्पेशल बातें, स्पेशल ट्रेंड्स, स्पेशल चीजें जो हम लोग अगले क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर वो जो है हमारी बात जो है नहीं मानते हैं, वो गड़बड़ करते हैं। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स है, जैसे नाइट्रोजन में तुम देखोगे अगर इधर की तरफ साइज जो है वो घट रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, मतलब नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन समहाउ नाइट्रोजन जंप करके आगे निकल जाता है। कैसे निकल जाता है, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। आज के क्लास में हम वो सब बातें नहीं कर रहे। तो एक जनरल ट्रेंड क्या है, नीचे की तरफ साइज बढ़ेगा, इधर की तरफ साइज घटेगा, और बाकी तीनों साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेट अस अंडरस्टैंड क्यों ये तीनों जो है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, ऐसा क्यों है कि ये तीनों जो है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो हम पहले बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है भाई, ये एटम का न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, ये चारों तरफ घूम रहा है, ये आए तुम और अपना हाथ बढ़ाए तुम और तुम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो। ये छोटा एटम है, ठीक, या जो भी कह लो छोटा एटम है। चलो अब एक एटम बनाते हैं जो इससे बड़ा है, ये एटम बड़ा है, इधर इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, इधर न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में अट्रैक्शन, दोनों के बीच में अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन यहां ज्यादा होगा कि अट्रैक्शन यहां ज्यादा होगा। तो छोटे एटम्स में चीजें पास पास होंगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पास पास होंगे, पास पास होने का मतलब अट्रैक्शन जोरदार होगा, यहां अट्रैक्शन कम होगा, ज्यादा अट्रैक्शन मतलब इसको बाहर खींच के निकालना मुश्किल होगा, ठीक। अपने से भी थोड़ा सोचोगे तो ये चीज सोच सकते हो, लेकिन अभी पहली पहली बार है तो हम सोचने में मदद कर देते हैं तुम्हारी। छोटा एटम है, पास पास है, ज्यादा अट्रैक्शन है, बाहर निकालना मुश्किल है, इसीलिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। फिर बात करो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। एक छोटा एटम बनाओ और एक बड़ा एटम बनाओ, ठीक, ये आए तुम और तुम्हारे हाथों में जो इस बार हाथ तुम्हारा थोड़ा अच्छे से बनाते, इस बार तुम्हारे हाथों में एक इलेक्ट्रॉन है और तुम अपना इलेक्ट्रॉन अंदर रखना चाहते हो, और जब तुम अपना इलेक्ट्रॉन अंदर रखना चाहते हो तो ये जो पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है इसके साथ क्या होगा, इसके साथ रिपल्सन होगा और न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो रिपल्सन को थोड़ी देर के लिए किनारे करो, सिर्फ अट्रैक्शन पर फोकस करो कि अगर इलेक्ट्रॉन को अंदर जाना है तो अट्रैक्शन होना चाहिए, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा एनर्जी तुम्हें मिलने वाली है। तो यहां क्या है, छोटा आइटम है, बाउंड्री पास में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और यहां पर ये आए तुम, तुम्हारे हाथों में जो है फिर से जो है इलेक्ट्रॉन है, तुम अपने इलेक्ट्रॉन को अंदर रखना चाहते हो। तो अब की बात देखो, बड़ा साइज होने की वजह से ये बाउंड्री और न्यूक्लियस तुम तो बाउंड्री के पास से ही अंदर रखोगे ना, तो खुद तो एटम के अंदर घुस नहीं जाओगे कि चलो एटम के अंदर हम घुस जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एकदम अंदर खूब अच्छे से संभाल करके रख करके आते, तुम ऐसे ही बाहर से फेंकोगे, ये लो भाई इलेक्ट्रॉन चला जाएगा अंदर। तो यहां बाउंड्री से तुम काफी दूर हो, इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजोगे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज्यादा है, ये उसको उतना अच्छे से नहीं खींच पाएगा, ये उसको जल्दी से खींच लेगा। तो बड़ा एटम है तो न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से नहीं खींच पाएगा, छोटा एटम है तो न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को जोर से खींच सकता है, और इसी वजह से यहां ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यहां कम एनर्जी रिलीज होगी। तो छोटे एटम में जब इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, बड़े एटम में जब इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो कम एनर्जी मिलेगी, और यही इसका एक्सप्लेनेशन था, ठीक। तो अपने से मेंटल अप्रोच बनाओ सोचने की ना, और बाकी डायग्राम जैसे जैसे बनाते हैं मतलब देखने में बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन इन डायग्राम से बहुत समझ मिलती है, देखने में लगेगा कि आड़ा टेढ़ा खींच दिया, लेकिन यस यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थोड़ी बात करते हैं, इतना नहीं टेढ़ा बनाते, थोड़ा सीधा कर देते हैं ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये एक एटम ए दूसरा एटम बी, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, कह दो एक एटम छोटा है दूसरा एटम बहुत बड़ा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो थोड़ा इसको और इसे बना देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा इसका न्यूक्लियस, तो तुम देख रहे हो इसका न्यूक्लियस बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के पास में और इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से दूर है, तो कौन सा न्यूक्लियस है जो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींच पाएगा,
जाहिर सी बात है, जो पास में है वो ज्यादा खींचेगा, वो दूर में है वो कम खींच पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति किसकी ज्यादा होगी? तो छोटे साइज के एटम में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी कम होगी और वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से अपनी तरफ खींचेगा, और हम कहेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है। तो ये हो गई चार पीरियडिक प्रॉपर्टीज की बात, और चारों के बारे में हमने समझा कि चारों क्या होते हैं, चारों का डिफिनेशन सीखा, पीरियडिक टेबल में किधर जाओगे तो कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा ये समझा, और फाइनली हमने कहा कि इस चीज को माइंड में रखोगे, कहां गया वो चीज, ये साइज जो है इधर की तरफ घटता है इधर की तरफ बढ़ता है, मन के अंदर कैलकुलेशन चलते रहना चाहिए कि इधर क्यों घट रहा है, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं जबकि सेल्स की संख्या स्थिर है, और इधर साइज क्यों घट रहा है, सॉरी पता नहीं उल्टा बोल दिया लग रहा है, यहां साइज क्यों घट रहा है क्योंकि सेल्स की संख्या स्थिर और प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, और इधर साइज क्यों बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। फिर बाकी के तीन प्रॉपर्टीज वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सीधे सीधे एक लाइन में बाकी तीनों को निपटा दिया, और क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसको डील किया कि आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर एटम छोटा है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पास रहेंगे और बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि अगर एटम छोटा है तो बाउंड्री पास में होगी और इलेक्ट्रॉन को जल्दी से तुम अंदर फेंकोगे और न्यूक्लियस उसको अंदर खींच लेगा, और बाउंड्री दूर में होगी और तुम फेंकोगे तो मुश्किल होगा इसका थोड़ा अंदर जाना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का अंदर जाना आसान है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेम ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा मिलेगी। और फिर कहा साझेदारी वाली बात, अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो छोटे एटम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों के पास में रहेगा और उसको जोर से खींचेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा रहेगी। सो दैट्स ऑल इस क्लास में, यही कि पीरियडिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये कहो, और उनका वैल्यू किस तरह से ग्रुप और पीरियड में घटता और बढ़ता रहता है, फिर इन वैल्यूज में क्या होता है, कुछ छोटे छोटे पेचे हैं, मतलब कहीं कहीं जो है जिसको घटना चाहिए वो बढ़ गया, जिसको बढ़ना चाहिए वो घट गया, कहीं आगे का पीछे हो गया, कहीं पीछे का आगे हो गया, कहीं प्लस का माइनस हो गया, कहीं माइनस का प्लस हो गया। तो ये सारी बातें जो है इस क्लास में करके जो तुमने सीखा है सब खराब नहीं करते हैं, जो सीधा सीधा सीखा है वो पहले माइंड के अंदर होना चाहिए, फिर टेढ़ी मेढ़ी बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो बस होप यू एंजॉयड, तुमने चीजें लिखी भी होंगी, नहीं लिख पाए होगे तो बने रहो चैनल पर मेरे, करते क्या है कि ये सब जो लिख रखा है किसी तरह से तुम्हारे पास पहुंचाने का कोई उपाय, कुछ उपाय है, जैसे एक तो है कि ये जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पता नहीं क्या क्या इन सब के थ्रू भेजा जा सकता है तुम्हारे पास, दूसरा है कि कुछ वेबसाइट वगैरह बनाकर अपलोड कर दे वहां से तुम पा सकते हो, लेकिन हम चाहते कुछ तुम्हारे हाथ में ना पढ़ने वाला मटेरियल रहे, तो आई प्लान कि इसको थोड़ा प्रिंट वगैरह किसी तरह से करा करके तुम्हारे पास भेजने का कुछ उपाय किया जाए, मतलब तुम कुछ थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना चाहो खर्च करके इसको हमसे खरीद लो, और कॉपी पेन पर पढ़ने का मजा कुछ और होता है ना, ये हर चीज जो है कंप्यूटर में और लैपटॉप में और मोबाइल में जो ऊपर नीचे करते रहते हैं उस हमको मतलब उतना अपीलिंग नहीं लगता, वो आया और चला गया, आंखों के सामने उसकी इमेज नहीं बन पाती, और जब कॉपी में पढ़ते हो नोट्स में पढ़ते हो बुक्स में पढ़ते हो तो उसकी बात कुछ और अलग होती है। तो ये जो लेक्चर्स है दे आर वेरी गुड, हम काफी अच्छे से बना रहे हैं और चीजों को पूरा, पिछली बार तो जो बातें करी थी कुछ कुछ चीजें बहुत अधूरी अधूरी भी वहां हमने छोड़ दी थी, लेकिन इस बार जो है जो काम चल रहा है तो एकदम शुरू से शुरू हो रहा है और अंतिम तक पूरा होगा, इट्स माय प्रॉमिस, एकदम शुरू से काम शुरू हो रहा है और अंतिम तक पूरा होकर के ही रहेगा और जल्दी ही पूरा होकर के रहेगा। लेकिन ये जो लिख रहे हैं ये भी तुम्हें इसी तरह से जैसे लिखा हुआ है सच, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ऐसे ही सीधे प्रिंट करके तुम्हारे तक पहुंचाने का कोई तरीका खोजने में लगे, जल्दी ही इस पर काम चल रहा है, जल्दी ही तुम्हें कुछ न कुछ मिलने की बातें होंगी। तो तुमने जो लिखा वो ठीक, जो छूट छूट गया होगा उसको भी क्लास के तुरंत बाद बैठ करके सोच करके लिख डाला करो ना, सने की बाद में कई दिनों के बाद, अभी यादें ताजा ताजा है तो कुछ छूट उठ गया होगा तो अपने से सोच के भर लोगे तो भर जाएगा। तो बस आज के क्लास में पढ़ाई की बातें और प्रवचन दोनों मिलाकर के इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में तो पीरियडिक प्रॉपर्टीज पर जो बची हुई बातें हैं वो करेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय।